हेलो एक और ब्लॉग तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है सैमसंग के घर में वीडियो ना हो तो क्या मजा है भाई। तो भाई मैंने सोचा था भाई तुम्हारे लिए दो तीन वीलीज मारूंगा, बट यार यहाँ पे तो अलग ही सीन हो गया भाई। चेन सेट बहुत गंदी आवाजें कर रहा है अभी वीली करते हुए। मेरे को लग रहा भाई जो स्प्रॉकेट के टीथ होते हैं ना वो टूट चुके हैं, तो चेन स्लिप कर रही है स्प्रॉकेट के ऊपर से, तो उस वजह से वीली नहीं हो पा रही है। देखते हैं भाई आगे क्या सीन है। चेन सेट भी लगाते हैं। तो भाई तुम्हें वीली दिखानी है, जैसे कि तुम्हें मैंने बोला वीली दिखानी है तो दिखानी है भाई। तो चलते हैं पहले भाई जल्दी से जाके ना चेन सेट डलवाते हैं। तो चेन सेट डलवाने के बाद भाई तुम्हें फुल पावर ना वीलीज दिखाने वाला हूँ, बट पहले चेन सेट डलवाना ज़रूरी है क्योंकि आवाज़ बहुत ही गंदी आ रही है। मेरे को लग रहा है भाई इसके चक्कर में और कुछ नुकसान ना हो जाए। चैन भाई चेन सेट ये देखो यार अगली गिरारी गई है पूरी। अशोरी है शब्द से प्रीति पर उसकी बॉडी कड़ाश। सो गाइस फाइनली भाई चेन सेट अपना लग चुका है भाई, नया चेन सेट है भाई। अब फुल पावर भाई तुम्हें जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि भाई तुम्हें ऐसी चीज़ करके दिखाने वाला जो कि कोई करके नहीं दिखाने वाला, एंड देखते हैं भाई बस जगह मिलनी चाहिए उसके लिए, एंड तुम्हें ढेर सारी वीलीज दिखाने वाले हैं भाई आगे। तो भाई फुल पावर सीन हो गया, टायर फट चुके हैं। फुल भाई टायर फट गया भाई, थोड़ा आगे कर दिखा दे कहाँ से फटा, आगे कर जान दे बस। सो गाइज हियर इज द एंड, देख रहे भाई ये हो चुका है छेद इस पे, एक उंगली जा रही है बिल्कुल ऐसे अंदर, ये देखो। तो भाई इसी का जिक्र कर रहा था भाई, यहाँ पे ना भाई इतना बड़ा बबल बना हुआ था, तो भाई मेरी एक ही वीली शूट कर पाया, उसके बाद भाई टायर हो गया ठस, एंड ये देखो भाई क्या हालत हो गई टायर की। हेलो हाँ वीली देखनी है, जाते जाते करके दिखाऊंगा, चलो एक वीली करके जाएंगे, इस छोटे ने डिमांड की है वीली की। तो भाई छोटे की डिमांड है वीली की, तो एक वीली करके दिखाते हैं भाई को। तेरे
गाइस मैं तुम्हें ना एक चीज बताने वाला हूँ आज भाई। बाइक है ना हरी पीली नीली बना के ब्लू। अरे कहना क्या चाहते हो? लोंडे बीलियां मार रहे हैं ठीक है। तो भाई यही बोलना चाहूंगा, हरी पीली नीली बाइक बहुत आती है मार्केट में, उसका कोई सीन नहीं है। बट बात ये है मोटो ब्लॉगिंग, ये भाई मान ही नहीं रहा। वो देखो एमटी वाले कैसे जा रहा अपना भाई। भाई बात आती है स्किल्स की, तो भाई जिसको भी आना, मैं तो हमेशा इससे यही बोलते हैं जिसको भी आना आ जाए, बस ये पीछे से जो टॉन्ट वाली बातें है ना ये ना करो, बेटर रहेगा, नंबर प्लेट आ जाएगी। गाइस ये होते हैं ट्रैफिक वाले, देखा भाई दूर से देख लिया भाई, एक आ रहा कैमरा लगा के। तो ये चीज है, ये जो चीजें है ना भाई जम्मू में मोटो ब्लॉगिंग के लिए खतरा बन चुकी है भाई, क्योंकि भाई कैमरा देखते ही पकड़ने आ जाते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है भाई। डॉक्यूमेंट्स देखो, नंबर प्लेट देखो, जो भी तुम्हें चेक करना वो चेक करो, बट ये जो चीजें करते हो ना भाई तुम। कंटेंट वो नहीं होता हर बारी कि किसी को गिरा दिया, किसी को जबरदस्ती गिरा दी, वो कंटेंट नहीं होता। जाएंगे बाइक उतनी उठनी है भाई जितने स्किल्स हो तुम्हारे पास, ठीक है। तो इतना ही बोलना चाहूंगा, बाकी बात रही स्किल्स की, भाई वो सबके पास होते हैं यार। आगे जम्मू में जाना खाना फाइटर भाई। तो गाइस नाके तो आज फुल पावर लगे, तुमने देख ही लिया होगा, पहले तो वहां पे ट्रैफिक वाले, फिर इसके आगे एक और वाली ट्रैफिक वाले। तो भाई ये चीजें, मन तो भाई मेरा इतना कर रहा है व्हीली स्टॉप भी कुछ करूं, बट यार बाइक की वैसी हालत नहीं है। मैं नहीं चाहता उनके सामने बाइक को, बाइक खराब हो जाए या बंद हो जाए, कुछ ऐसा हो गया ना उनके सामने ट्रैफिक वालों के सामने। भाई मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या टॉन्ट मार रहे हैं, वो कुछ समझ नहीं आ रही। कोई किसी को गधा बोले जा रहा है, कोई किसी को कुत्ता बोल रहा है, और यार क्या फायदा है इन चीजों का भाई। तुम अपने काम से मतलब रखो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज भाई हेट, और कहते ना भाई अगर भगवान उठा के तुम्हें इतनी ऊपर वाली जगह रख सकते ना, तो नीचे गिराते हुए भी टाइम नहीं लगता भाई, सीधी सी बात है। तो अगर मैंने आज तक भाई किसी को, तुमने देखा इस मेरे व्लॉग में, मेरे व्लॉग्स में जितना कुछ देखोगे, मेरे व्लॉग्स में नोटिस किया होगा भाई, मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता हूँ, कभी भी किसी की भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता हूँ। और अगर कोई कुछ फालतू बोल दे तो सुने भी नहीं जाता भाई, सीधी सी बात है। ये देखो भाई कहाँ से बचाओ, चल रहा बड़ा भारी है जी। ओके चल, ओहो भाई फुल पावर सीन है यार, चेक करो भाई की बिल्ली बिल्कुल रॉकेट की तरह जा रहा है टायर पे। तू शूट करना भाई, फुल पावर पब्लिक। हाँ बच्चों का प्यार देखो भाई, ये छोटे बच्चों को जो प्यार रहता है ना भाई, ओह ये जो छोटे बच्चों का प्यार रहता है ना भाई, ये बहुत मोटिवेट करता है भाई आगे के लिए। एंड इसी की ज़रूरत है भाई, ये जो अभी देखने को मिलते हैं ना भाई, पैसा पूसा भाई सब भूल जाता बंदा भाई, जब ये चीज़ें दिखने को मिलती है ना भाई, सच बता रहा हूँ गाइस, नेक्स्ट लेवल फीलिंग होती है। रहती तो छोटे बच्चे निकल जाते हैं ना आजकल बाइक लेके भाई रोड पे, सिदरा रोड पे कहीं भी भाई, उनके ये चीज़ें जो होती है वो हमेशा ये फुल आगे, पता नहीं है ब्रेक कैसे मारनी कैसे नहीं मारनी, वो चीज़ नहीं पता, बट फुल रखना भाई ये चीज़। तो देखो यार क्या करना है, तुम्हारी लाइफ है। भाई छोटे बच्चे जितने भी हैं ना भाई, हम वो हमारी वीडियोस देख के ही आगे भाई जो भी करेंगे वो हमारी वीडियो देख के करेंगे, क्योंकि सॉर्ट ऑफ एक आइडल होते हैं ना भाई कि भाई वो ऐसा भाई बाइक पे ऐसे कर रहे, तो हमें भी ऐसे करके दिखाना है भाई। मैं तो बोलता हूँ मैंने जितने भी भाई ये स्टंट राइडिंग जो अब तुम व्हीलीज देख रहे हो ना भाई, ये मैंने रोड पर नहीं सीखी है, तो मैं तुम्हें ये चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये किसी को सीखनी होगी ना व्हीली स्टॉपिज वगैरह ये चीज़ें, वो कभी चलती रोड पे कभी वो चीज़ें नहीं सीख पाएगा। तुम्हें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्राइवेट लोकेशन, प्राइवेट लोकेशन इन द सेंस कि भाई एक रिमोट एरिया चल जाओ, और सुबह के 5-6 बजे उठ के चले जाओ, जब वहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं होती हो, कुछ भी कोई ट्रैफिक नहीं, कोई इवन बंदा भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे, वहाँ पे जाके
प्रैक्टिस करो, अपने अकेले में प्रैक्टिस करो, कोई अपने साथ एक बड़ा सा ले जाओ जिसको आती हो थोड़ी बहुत स्टंट राइडिंग, वो तुम्हें थोड़ा गाइड कर सके, जिस वजह से तुम्हारे जो क्रैशेज होते हैं उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो यही चीज़ें बोलूँगा, करनी है अच्छी तरीके से व्हीली सीखनी है तो भाई यही ऑप्शन है, रिमोट एरिया में जाके आराम से सीखो। बस यही बोलूँगा मेरे छोटे भाई, और जिसको भी स्टंट राइडिंग सीखनी है अच्छी तरीके से व्हीली स्टॉप जो भी करनी है तुम्हें, प्राइवेट लोकेशन में जाके करो जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं हो कुछ भी ना हो, वहाँ पे जाके करो अच्छे से सीखो, एंड देन मन करता है कहीं पे पब्लिक डिमांड करती है तो पॉप कर दो, अदरवाइज सीधा चलो जैसे मैं चल रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कंटेंट में भाई तुम अपने पब्लिक से अगर बात नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा यार, क्या ही फ़ायदा। वैसे फाइनली पहुंच चुके हैं भाई एक रिमोट एरिया में जहां पे हम अपनी प्रैक्टिस कर सके, एंड प्रैक्टिस भी क्या तुम्हें भाई, जैसे कि भाई सारे लोंडे बोल रहे भाई बेसिक कर रहे हो भाई बड़ी देर से यही कर रहे हो, तो भाई तुम्हें आज एक नई ट्रिक दिखाने लाया हूं। भाई मैं इतनी श्योरिटी 100% दे सकता हूं भाई जम्मू में ये ट्रिक जो मैं अभी करके दिखाने वाला हूं तुम्हें, कोई भी करके नहीं दिखाने वाला, ये 100% गारंटी दे रहा हूं, कोई भी करके नहीं दिखाएगा चाहे जिस मर्जी की बात करो, ये जो ट्रिक करके दिखाने वाला हूँ, जितनी लंबी मैं लेके जाने वाला हूँ मैं भी तुम्हें कोई करके दिखाए, तो ब्लॉग के साथ जुड़े रहो, अभी तुम्हें सीधा मिलते हैं भाई व्हीली करते हुए, एंड जो व्हीलीज होने वाली है भाई नेक्स्ट लेवल, एंड तुम्हें कुछ नए नए ट्रिक्स भी करके दिखाएंगे भाई, आज फुल पावर रिस्क के साथ आए हैं भाई हम, तो देखते भाई क्या सीन रहता आगे का, तो भाई स्टार्ट करते हैं। स्पीड चेक करो गाइस, 90+, ओ भाई 100+ की स्पीड में गाइस बिल्ली जा रही है, चेक करो भाई क्या सेक्सी बिल्ली मार रही है भाई, एक नंबर भाई सेक्सी भाई गाइस, लास्ट 100 गया मेरी बाइक, मेरे मीटर पे लास्ट 100 शो किया भाई, तो ऑलमोस्ट वो 100+ ही चल रही थी, क्या बात है यार। क्या बात है व्हीली चेक करो गाइस, कितनी लंबी व्हीली जा रही है, ओ भाई साहब मेरा मीटर चेक करो, 87 की स्पीड मेरे में शो कर रही है, तो वो ऑलमोस्ट 100+ चल रही होगी गाइस, क्या बात है सैम भाई, गोन ओ भाई साहब सेक्सी यार, at this moment that he knew he fucked up. So guys topic ka crash ho gaya bhai, and bhai bike ka na side se ye toot gaya bhai, and ye bike brake wali jagah to ye fir se toot gaya, abhi recently theek karai thi bike, fir se toot gayi, and fir se theek karani padegi hamare, to bhai ye roz ka hi ho gaya, to yaar chalte rehta koi baat nahi. So guys aa chuke hain bhai R5 pe, apni bike ka chota sa crash ho gaya, and chote mote part toot gaye, brake wali jagah toot gayi, to us wajah se bhai ब्लॉग हमें आधा दूर शूट करके आना पड़ा, चलो कोई नहीं, बट मेरे को लगता है तुम्हारे लिए इतना काफ़ी होगा भाई, ये तो अभी ट्रेलर था भाई, आगे बहुत कुछ आने वाला तुम्हारे लिए, तो जो आगे का देखना चाहता भाई जल्दी से जाके ना अभी नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, एंड जल्दी से भाई के 50K कराओ, एंड देन उसके बाद तुम्हारे लिए ऐसे नए नए ब्लॉग आते रहेंगे, एंड गाइस जल्दी ही तुम्हारे लिए पब्लिक रिएक्शन ब्लॉग आने वाला है, तो यार प्लीज़ यार जल्दी से भाई के 50K कराओ, एंड तुम्हारे लिए दासू सा एक पब्लिक रिएक्शन ब्लॉग लेके आऊंगा, ये देखो बिना उसके हेलमेट के भाई ये पुलिस वाला 3 चक्कर लगा चुका है हमारे सामने से, एंड पता नहीं क्या सीन है लोगों का, बट भाई ये जो आज तुम्हें नो हैंड व्हीली दिखी है ना भाई, ये कोई नहीं करके दिखाने वाला तुम्हें, इतनी मैं गारंटी देता हूँ भाई जम्मू में कोई नहीं करके दिखाएगा, बहुत सारे राइडर्स हैं, बहुत सारे स्टंट राइडर्स हैं भाई, बट इस ट्रिक को करते हुए बहुतों की भाई फटती है,
तो तभी भाई कुछ भी जलती भी है तो क्या करे भाई, जलने दो, हमें तो मजा आ रहा है भाई। तो भाई आज के ब्लॉग में गाइस तुम्हारे लिए इतना ही। सो गाइस मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मच लव। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਮੇਰੀ।